पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला एक मरतबा फिर छिन गया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान ना देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खत्म करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैजी की तरबाही में तीन रुकनी बेंच ने केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर गौर का नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। कहा, हमने लाहौर हाई कोर्ट को बताया था कि हमारी एक दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर है। आज 14 दरख्वास्तें 24 करोड़ अफराद पर भारी हो गई। बैरिस्टर अली जफर बोले, हमें अंदाजा था यही होना है, सिर्फ इंतखाबी निशान खत्म हुआ है, पार्टी नहीं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। वापस जाने वालों की कुल तादाद 4,67,314 तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। रावलपिंडी में 1,39,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई। 11,000 लीटर मिलावटी दूध तर्क कर दिया गया। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का पंजाब की भल सफाई मुहिम में भरपूर किरदार। सरगर्मियों के जायजे के लिए मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया गया। ड्रोन की मदद से मुहिम की निगरानी की जाएगी।